हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राइस फ्लोर खिचू, जो गुजरात में स्ट्रीट फूड में खाया जाता है। वो गुजरात में बहुत ही फेमस है। वो राइस फ्लोर से बनता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको बहुत पसंद है और बहुत सिंपल स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले गैस चलाएंगे, उसके लिए उस पर ऊपर गर्म पानी रखेंगे। मैंने 2.5 कप गर्म पानी रखा है। अभी हमने इडली के लिए इडली का कुकर लेना है, जिसमें हम खिचू बाप लेंगे, इडली के जैसे बापना है। तो मैंने इसमें 2-3 गिलास पानी लिया है, उसको भी हम उबाल लेंगे अच्छे से। दोनों को अच्छे से उबालना है। अभी हम देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। हमको चाहिए चावल का आटा। तो ये है 1 कप चावल का आटा लिया, जो 100 ग्राम है, नाप से लिया है मैंने। वो एक तपेली में निकालेंगे और अभी इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमको स्वाद अनुसार डालना है। और अभी हम डालेंगे तिल, वो मैंने 1/2 टीस्पून तिल लिए है। उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने 5 मिक्सी में अच्छे से क्रश कर ली है। तीखी वाली हरी मिर्च ली है मैंने, तो उसको हम उसमें डालेंगे राइस फ्लोर में। और अब डालेंगे हम जीरा, जीरा भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ है, जीरा डालेंगे। और ये है पापड़ खा, पापड़ खा लेना है 1/4 टीस्पून। पापड़ खा नहीं हो तो हम सोडा भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून डालना है। अब इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सबको मिक्स करना है। जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 कप चावल का आटा लिया है, तो मैंने ये 2.5 कप पानी लिया है। पानी देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से उबल गया है। अब इसको हम ड्राई में मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा डालिए, क्या गर्म है ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मिक्स करते जाना है। ऐसे पानी अच्छे से ऐसे गर्म होना चाहिए, अच्छे से, हाँ ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल ड्राई आटा ऐसे दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अभी पानी और डालना पड़ेगा, थोड़ा पानी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो अपने को आइडिया रहता है, ज़्यादा ना हो जाए पानी। थोड़ा थोड़ा डाल के हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, बिल्कुल आटा ड्राई रहना नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत इजी स्टेप है। अच्छे से मिक्स हो रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई आटा अभी नहीं दिख रहा है। अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, तो थोड़ा और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल आटा ड्राई रहना ना चाहिए। अभी देख सकते हो आप, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखो, मैंने 2.5 कप पानी लिया था और इसमें इतना पानी बचा है। 1 कप आटे में 2.5 कप पानी में थोड़ा सा बच गया। अगर पुराना आपका चावल का आटा होता, पुराने चावल का आटा होता, तो थोड़ा पानी ज़्यादा भी जा सकता है। अब कंसिस्टेंसी देख लो, ऐसे रखनी है बस। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम ग्रीस कर लेंगे प्लेट ऑयल से, जिसमें हमको खिचू बाप लेना है। अच्छे से ग्रीस कर ली है। और ये देखो आप, पानी इडली के कुकर में उबल गया है पानी अच्छे से। अभी जो हमने बनाया है खिचू का आटा, वो अच्छे से इसमें स्प्रेड करना है, इक्वल स्प्रेड करना है। पूरा इसमें डाल के अच्छे से स्प्रेड करना है। ये एक में एक प्लेट बना है, बिल्कुल एक प्लेट बना है। 1 कप आटे में 1 प्लेट बना है। अभी इसको हमको 15 मिनट के लिए भाप लेना है। गैस फुल रखना है, फुल आंच में हमको 15 मिनट तक भाप लेना है। गैस फुल रखना है। अभी देखो आप, 15 मिनट हो गई है, गैस बंद कर दी। हम चेक कर लेंगे हो गया कि नहीं, हमको ऐसे भी पता चलेगा चाकू डाल के कि ड्राई, इसमें आटा बिल्कुल चिपकने, और ऐसे निकाल के देंगे कि देखेंगे कि ड्राई आटा तो नहीं दिख रहा है अंदर, बिल्कुल अच्छे से पक जाता है, 15 मिनट में पक ही जाता है। उसको निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अब सर्व के लिए एक प्लेट में थोड़ा सा ऐसे आटा निकालेंगे सर्व करने के लिए। निकाल लिया है। अभी इस पे हम लोग ऑयल डालेंगे,
निकाल लिया है। अभी ये मूंगफली का तेल इसमें ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो हमको मूंगफली का तेल ही यूज़ करना पड़ेगा। उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है अच्छे से। उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास अचार का मसाला है ड्राई, तो वो अचार का मसाला भी डालेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसे टेस्टी लगता है। और ये हमारा रेडी है राइस फ्लोर खिचू।